हमारे तरफ से ये आखिरी सत्र होगा, आखिरी सत्र से उसके बाद फिर हम लोग लंच का ब्रेक करेंगे। लंच के ब्रेक थोड़ी जल्दी कर लेंगे ताकि जिन लोगों का चार्ट का काम थोड़ा रह गया तो वो लोग उसको पूरा करके चिपका लेंगे। और फिर लंच के बाद जो होगा एक और सत्र होगा, उसमें एक तरह से जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा नहीं होगी, चर्चा हम लोग अभी पूरी कर लेंगे। उसमें फिर जैसे हम लोग एक दिन छोटे छोटे ग्रुप में बैठ कर आधे लोग यहाँ और आधे लोग वहाँ बैठे, उसमें आप लोग अपना बता रहे थे कि डे वाइज पहले दिन क्या ठीक लगा, दूसरे दिन क्या लगा, चौथे दिन ऐसा बताया था आप लोगों ने, फिर टोटल में बताया था कि हमको ये ठीक लग रहा है, हम ये करेंगे या ऐसा ठीक है, सब बताया था। उसी तरीके से आप लोग आज अपनी बात को यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप तो नहीं करेंगे, आप एक साथ करेंगे ताकि सब लोग सबका सुन सके, तो उस बात को रखेंगे। तो आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं वो भी सुनेंगे, है ना, हम लोग भी बैठ के सुनेंगे। फिर जब उसके बाद जब खत्म हो गया तो जो चार्ट आपने बता रखा है ना, तो जो लोग भी आएंगे ना उनको फिर अगर वो पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है तो समझाइएगा कि भाई ये समझ है, संबंध है, ये तीनों जरूरी है, ऐसे बता सकते हैं ना, ऐसे किसी ने उधर बनाया है परिवार व्यवस्था, तो उसमें जो सोच के उन्होंने बनाया है ना, आपने कुछ ना कुछ सोच के बनाया है ना डायग्राम, तो जो सोच के बनाया है उसके बारे में बता सकते हैं कि हमने ये सोच के बनाया है, इसका ये मतलब है, ये सब कर सकते हैं ना। यस सर। तो आज के सत्र का ऐसा सिस्टम रहेगा, तो ये आखिरी सत्र होगा हमारी तरफ से, और उसके बाद थोड़ा लंच का ब्रेक आज बढ़ा दे देंगे ताकि आप चार्ट का काम कम्प्लीट कर सकें। यस सर। हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, हम लोग तो परिवार की तरह चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में तो सब लोग भाग भाग करते हैं, बच्चे भी बुजुर्ग भी, इसलिए हम लोग सब मिल करके चर्चा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हम लोग पिछले 5 दिन में जो चर्चा कर रहे हैं उस पर कि हम सभी हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है उसको पहचान सके, और उस लक्ष्य को कैसे पा लेंगे, उसके लिए क्या क्या करना होगा उसको पहचान सके, और उसके लिए जो तैयारी करनी है उस पर बात करें। तो लक्ष्य तो हर आदमी का ये है कि सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, इतने के लिए सारी मेहनत कर रहा, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब, और सुख को समझ ले, समृद्धि को समझ ले, परिवार कैसे व्यवस्थित चलेगा उसको समझ ले, अपनी आवश्यकता क्या क्या है उसको समझ ले, कैसे जुटाना है उसको समझ ले, तो सुख समृद्धि पूर्वक रह सकता है आदमी, कैसे स्वस्थ रहेंगे उसको समझ ले और करने लग जाए तो सुख समृद्धि पूर्वक निरंतरता में रहा जा सकता है। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग पिछले 5 दिन से बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे घर से असाइनमेंट कर रहे हैं, चार्ट भी बनाए हैं, इन सबके बारे में लोग बताएंगे। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि ये हम लोग की तरफ से चर्चा का आखिरी सत्र है, उसके बाद लंच ब्रेक थोड़ा बड़ा होगा ताकि चार्ट पेपर आप कम्प्लीट कर सके, खाना खा सके थोड़ा, उसके बाद आखिरी जो सत्र होगा वो 2 बजे से शुरू होगा, जिसमें आपके माता पिता और घर के लोग भी सम्मिलित होंगे। तो
आपने जो भी 5-6 दिन में समझा है, सीखा है, जो भी आपकी समझ बनी है, जो भी महत्वपूर्ण लगा है, हम लोग फिर आखिरी सत्र में आप लोगों का जो भी हर दिन जो महत्वपूर्ण लगा है, क्या अच्छा लगा है वो आप बताएंगे, उसको हम लोग सुनेंगे। कुछ लोग आप लोग को बैठ के सुनेंगे और कुछ लोग आप लोग का जो भी क्लास का वो उसको ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन मतलब जो भी आपकी फोटो रहेगा वो दूर बैठे लोग भी देख रहे हैं वीडियो इंटरनेट पर, कुछ लोग वहाँ भी देखेंगे, वो लोग भी आप लोगों से कुछ बात करेंगे। अभी हाँ वो वीडियो आप लोग इस क्लास में तो आप लोग तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको देख पाएंगे क्योंकि यहाँ कैमरा लगेगा, उसका रिकॉर्डिंग वहाँ जाएगा। आप जो यहाँ बोलेंगे, जो कहेंगे, वहाँ जो लोग बोलेंगे ना उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि हम प्रोजेक्टर नहीं लगा पा रहे ना वो चर्चा के कारण, क्योंकि उनको देखने के लिए प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा, तो दिखेगा, तो प्रोजेक्टर नहीं लगा पा रहे, तो इसलिए वो इस बार नहीं दिखेंगे, लेकिन आगे जब तक हम लोग जूम पे बात करेंगे तो दोनों तरफ के लोग दिखेंगे उसमें, ऐसा लगे। इसीलिए जो है हम अंदर बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये योग्यता की प्रॉब्लम है या चाचा की प्रॉब्लम है? योग्यता। तो हम लोग जो है उसमें कुछ और लोग भी आप लोगों को सुनेंगे ना, आप लोगों से चर्चा करेंगे, दूर बैठ करके भी बात करेंगे, कुछ ये सारी बात हम लोग तीसरे सत्र में करेंगे जो लंच के बाद वाला होगा, और उसके बाद जब 3:30 बजे खत्म हो जाएगा तो जो भी आपके गार्जियन आएंगे, शिक्षक आएंगे, वो सब लगातार से हो सकता है इस चार्ट के बारे में समझना चाहें कि आपने क्या सोच के बनाया है, इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं, तो बता सकते हैं या नहीं बता सकते, कोई हिचक तो नहीं है ना? आप तो बिल्कुल ही नहीं है, और जहाँ हिचक हो वहाँ को तो हम लोग चर्चा को कर रहे थे, उसमें 15 बिंदुओं का पहले सत्र में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित किया था, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को चर्चा किया। 15 महत्वपूर्ण निष्कर्ष ध्यान में, एक था लक्ष्य और रास्ते की पहचान, दूसरा था है ना, एक पूरी लिस्ट पे चर्चा की, हम लोग उस लिस्ट को लिख भी देते हैं आप लोग के लिए आसानी रहेगी, उसको हम लोग लिख देते पहचानना है। रास्ता अलग है, रास्ता और लक्ष्य दो अलग चीज है। दूसरी बात हमने की थी समाज संबंध सुविधा तीनों ही जीने के लिए आवश्यक है। तीसरी बात की सुख से हमने क्या समझा, सुख क्या है उसका स्पष्ट चित्रण। फिर चौथी बात हमने समृद्धि को सही सही समझना आवश्यकता का निर्धारण करके, आवश्यकता निर्धारित होगी तभी हम जान पाएंगे कि हम समृद्ध हैं या दरिद्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पे मानव को स्वयं और शरीर के आधार पर समझा, यानी मानव जो है वो दो प्रकार से उसको समझा, चेतन और जड़। उसके बाद कल्पनाशीलता देख पाए, बच्चों को उसमें प्रयास कराए कि कल्पनाशीलता क्या है, उसमें सुख दुख को समझ पाए और उसको फिर सहज स्वीकार है या नहीं इस पर जांच पाए। इसके बाद शरीर व्यवस्थित व्यवस्था में है, ये हमको प्रकृति के द्वारा मिला है, प्रत्येक जीव जो है उसका शरीर जो है व्यवस्था में है, इसमें मानव जो है उसने अपनी व्यवस्था को बिगाड़ लिया है, लेकिन जो पशु है वो अभी भी व्यवस्था में जी रहा है, स्वयं के भाव को व्यवस्थित कर सके ये जाना इसमें। फिर अगला 8वें नंबर पर है परिवार व्यवस्था, पहले तो शरीर यानी मानव स्वयं, उसके बाद परिवार व्यवस्था के लिए सुविधा के साथ भाव भी जरूरी है, सुविधा एक चीज है, दूसरा है भाव। उसके बाद चाहना को निर्धारित करना, चाहना और करना ये दो चीजें अलग अलग हैं, यानी जो हम चाहते हैं फिर उसके लिए प्रयास करते हैं और फाइनली हम कर पाते हैं। फिर 10वीं जो चीज है वह है सम्मान के भाव को समझना, सम्मान महत्वपूर्ण है, दूसरे को अपने जैसा मानना, दूसरा मेरे जैसा है। और फिर अगली चीज है स्नेह, स्नेह का मतलब है
बिना शर्तों के संबंधी के रूप में दूसरे को स्वीकार करना, उसने हमें स्नेह का भाव पता चलता है। अगली बात थी ममता के ऊपर, शरीर का लालन पालन पोषण करना, वो ममता के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है वात्सल्य, वात्सल्य में भाव शामिल है, और उसके बाद श्रेष्ठता, और उसके बाद विशेषज्ञता। बोर्ड पे आप लिख भी देंगे जिससे आपको ध्यान में रहेगा ये सारी बातें। इससे पहले हम लोग प्रकृति की व्यवस्था को चर्चा कर रहे थे, तो प्रकृति की व्यवस्था का जो यहाँ चित्र हम लोग बना रहे थे कोई जगह कम थी, तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, आपको अभी लिखने का अवसर मिला। इतनी बात हो गई, इसमें जो बात हुई थी कि हम लोग प्रकृति में देख रहे हैं आदमी है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, लिखने का काम अभी उठे करेंगे। अभी आदमी है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी पानी हवा है, मिट्टी पानी हवा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लिखने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी इकाइयों के समूह को क्या कह रहे थे, प्रकृति, पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी पानी हवा गवा कामा इतना दिख रहा है, सबके समूह को क्या कहा, प्रकृति। अब प्रकृति में देखें तो चार तरह की अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, इनके उदाहरणों पर चर्चा किया। तो अगली बात यह होगी कि ये जो पदार्थ अवस्था है और जो प्राण अवस्था है, इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना है या कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है? कैसे लेना देना है? क्योंकि पेड़ के पत्ते टूटते हैं, टूटते कहाँ गिरते हैं, जमीन, वो वापस मिट्टी बन जाते हैं, तो फिर पेड़ की जड़ों में जाते हैं और उसका जो भी तत्व है वापस कहाँ आ जाता है, तो ये चक्र चलता रहता है, पदार्थ से प्राण, प्राण से पदार्थ, और इस पूरे चक्र में दोनों एक दूसरे का शोषण करते हैं कि पोषण करते हैं, मिट्टी भी मजबूत होती जाती है और पेड़ भी, इसलिए इसको कह रहे हैं कौन सा संबंध, परस्पर पूरकता। अब ब्रेक से पहले हमने प्रश्न ये पूछा था कि ये परस्पर पूरकता का संबंध सिर्फ इन्हीं दो अवस्थाओं में है या जीव अवस्था के साथ भी है, जीव अवस्था के साथ भी है, कैसे है उसको समझते हैं। जैसे पेड़, तो पेड़ के पत्ते और फल पशु खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और उनके जो मतलब उनका जो गोबर है ना, वो पेड़ों के लिए उपयोगी होता है, होता है, उससे पेड़ भी अमूल होते हैं। और इधर भी देखेंगे तो पानी है, पानी आप पशु पीता है ना, लेकिन जीव अवस्था को देखेंगे तो पानी भी पीता है पशु, और भी बहुत सारे पदार्थ अवस्था की चीजों पर निर्भरता है ना, और पशु जो है जो गोबर करता है उससे बहुत सारा मिट्टी पहले से और अधिक होती जाती है। पेड़ में देखेंगे ना, तो पेड़ के पत्ते तो पेड़ के जड़ों के आसपास ही गिरता है, वहीं की मिट्टी ठीक होती है, लेकिन पशु जो गोबर करता है वो पत्ता एक जगह खाता है, वह जगह घूम घूम के गोबर करता है, तो जंगल का बहुत सारा जो मिट्टी है वो अच्छी होती चली जाती है। और दूसरी बात, पेड़ के जो पत्ते हैं ना टूट के जमीन पे गिरते हैं तो सड़ के खाद बनने में उनको ना 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन जब पशु खा के गोबर कर देता है तो सप्ताह 10 दिन में वो खाद में और फास्ट हुआ और तेजी से भी हुआ और पूरी जगह फैल गया। तो अगर आप देखेंगे तो प्राण अवस्था और जीव अवस्था एक दूसरे के पूरक हैं या शोषक हैं, और पदार्थ अवस्था और जीव अवस्था भी एक दूसरे के, क्या प्रकृति पूरी हो गई या कोई अवस्था शेष है? शेष कौन सी अवस्था? ज्ञान अवस्था। उदाहरण मानव अवस्था उदाहरण है, समाधि इसी के उदाहरण है, मानव ज्ञान।
तो ये जो पदार्थ अवस्था है ये मानव के लिए परस्पर पूरक है या विरोधी है? परस्पर पूरक है। और प्राण अवस्था? ये भी परस्पर पूरक है। और जीव अवस्था? तो ये तो अपनी परस्पर पूरकता के भार है ना? हम लोग को पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, मिट्टी से चीजें मिल रही हैं, तो ये हमारे लिए परस्पर पूरक है, हमारे साथ पूरकता का निभा रही है। इससे फल मिल रहा है, दवाई औषधि मिल रहा है, पत्ते मिल रहे हैं, साग मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, ये सब हमारे लिए जरूरी काम कर रहे हैं। इधर से भी देखेंगे तो दूध मिल रहा है ना, अन्य तरह के फूल मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है। अब अध्ययन करने की बात ये आदमी इनके साथ ये सब कर पा रहा है कि इनका शोषण कर रहा है? इनका शोषण कर रहा है। तो आदमी जो इधर करना था वो ना करके यहाँ क्या हो गया है? प्रश्न चिन्ह। इधर जो आदमी को करना था वो ना करके क्या लग गया है? प्रश्न चिन्ह। इधर जो आदमी को करना है वो ना करके क्या लग गया है? प्रश्न चिन्ह। पदार्थ अवस्था को देख, पेड़ को देखेंगे तो पेड़ तो आदमी का पोषण कर रहा है, आदमी पेड़ का काट रहा है, तो जंगलों को काट काट के नष्ट कर रहा है। पशुओं को देखेंगे तो वो तो आदमी का पोषण कर रहे हैं, लेकिन आदमी पशुओं का शोषण कर रहा है। जैसे जंगल को देखेंगे आप, ऐसे जंगल यहाँ आदमी नहीं जाते, वहां के जंगल और घने होते जाते हैं, पशु पक्षियों की संख्या भी खूब बढ़ती जाती है, मिट्टी भी बहुत मिट्टी भी ताकतवर होती जाती है। साल भर आदमी को वहां से सूखी लकड़ियां मिलती हैं, फल मिलता है, पानी मिलता है ना, अन्य औषधियां मिलती हैं, लेकिन एक बार आदमी जंगल जाने लगा ऐसे बना रहता है, सब निखरने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान जा रहे हैं, तो इंसान की तो जंगल हरा भरा था, इंसान काट रहे हैं, काट रहे इंसान अपनी जगह बना, तो अपनी जगह बना रहे घर बना रहे हैं, और एक घर की आवश्यकता है 10-10 घर बना रहे हैं, चार कपड़े की आवश्यकता है 50-50 कपड़े बना रहे हैं, चार पेन की आवश्यकता है 20-30 पेन बना रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से ही आ रहा है। तो अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से नहीं लेते तो प्रकृति का शोषण होता है। पेड़ से, पेड़ की जो लकड़ियां होती है ना, तो लकड़ियों से ही ये पन्ने बनते हैं। कचरों से भी बना देते हैं, वो भी वो लकड़ियों से भी बनता है। अभी जैसे हमने कॉपी में आधा लिखा और आधा कॉपी खाली फाड़ के नहीं दिया, तो हमने कॉपी नहीं पाई, जंगल का पेड़ कटने पे हमने मजबूर कर दिया, आपने कॉपी पूरा ठीक से नहीं लिखा और कॉपी फाड़ के फेंक दिया, तो आपकी नजर में तो पेड़ नहीं कटा, लेकिन फिर अननेसेसरी पेड़ तो कटा। एक किताब आपने लिया उसको आपने साल भर पढ़ा और 2 महीने में फाड़ के फेंक दिया, फिर नई किताब ले आए, तो किताब तो छपेगी पन्ने पे ही, पन्ने कहाँ से बनेंगे? पेड़ों से। आपने जो किताब साल भर चला सकते थे जो कपाड़ के फेंक दिया, उससे सीधे आपने भले कुछ नहीं किया, लेकिन आपके कारण जंगल में पेड़ कटने की मजबूरी बढ़ी। तो आदमी जो सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक नहीं पहचान रहा है और उससे अधिक दुकाना के लिए जो बिना सुविधा को पहचाने दुनिया भर की चीजें अपने घर में भर रहा है, आपको प्रकृति नहीं देगी, और उसके बिना जो हम ये सब जुटाने लगते हैं तो प्रकृति का ऐसी हालत हो जाती है, प्रकृति जो है समस्या हो जाती है।
जैसे आपको ध्यान होगा कि हम लोग गाड़ी से चलते हैं ना, बाइक से, कार से, ऑटो से, तो उसमें पेट्रोल लगता होगा, डीजल भी लगता होगा, बैटरी से भी चलती है, बैटरी से चलता है। लेकिन अगर देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल से भी चलती हैं। ये डीजल और पेट्रोल कहाँ से आता है? तो कहीं आपने डीजल पेट्रोल निकलते हुए देखा है? आपको कहाँ से मिलता है? पेट्रोल पंप से। लेकिन पेट्रोल पंप से कहाँ से आता है? किसी और जगह से। तो कहीं तो धरती से निकालते हैं ना? जैसे धरती के अंदर से हम लोग अपने आप वो करते हैं ना, बोरिंग पानी निकलता है, ऐसे कई जगह पर तेल जैसे आपका गैस के ऊपर गैस के चूल्हे थे, दो चूल्हे होते ना गैस के, एक तरफ खाली बर्तन रख दीजिए और एक तरफ पानी भरा हुआ बर्तन रख दीजिए, कौन जल्दी गर्म होगा? कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? खाली वाला। भरा वाला देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। अगर घंटी अपने चोटली कर दी तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो जल्दी गर्म होगी अगर घंटी, पूरी धरती पे जब गर्मी बढ़ जाएगी तो पहाड़ों पे जो बर्फ जमा रहता है वो वैसे ही जमा रहेगा कि धरती के समुद्र में आ जाएगा? तो समुद्र अगर इतना ऊंचा है धरती से तो समुद्र में पानी उतना ही बना रहेगा, बढ़ जाएगा। बहुत सारे देश जो एकदम समुद्र के किनारे हैं और उतनी ऊंचाई पर नहीं है, उसमें से बहुत सारा जो भूभाग है, जमीन है, वो पानी में डूब जाए, डूबने लगे हैं बहुत सारे जो बहुत सारी नदियों को देखेंगे तो बर्फ जो जमा रहता है पहाड़ों पे वो पिघल पिघल के साल भर बहता है अगर इकट्ठे सब बर्फ पिघल गई तो नदियां रहेंगी। खत्म हो जाएगी धरती पे, जगह जगह पानी की समस्या पैदा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती के अंदर हम खोखला है, पेड़ भी काट रहे हैं, अंदर की चीजें भी निकाल रहे हैं, यहाँ का ताप भी बढ़ रहा है ना। तो ये जब समस्याएं होंगी तो ये समस्याएं सिर्फ पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए ही होगी कि आदमी के लिए भी? आदमी के लिए भी होगी। आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? आपको भले ना पता चले कि आपने 5 पेन की आवश्यकता है, 25 पेन रख लिया, लेकिन इस समय हम आपकी भागीदारी कर रहे हैं। हमको 20 कपड़े की आवश्यकता है, 50 कपड़े रह गए, तो धरती पे उसका लोड तो आ ही रहा है ना। हम खाने को प्लेट में लेते हैं है ना, और हमने आधा खाया और आधा फेंक दिया, तो कहाँ से कहीं ना कहीं से उग रहा होगा ना, कहाँ से उगता होगा? धरती से। और उगाने का लोड तो बढ़ेगा ना धरती, जैसे मान लीजिए कितने 750 करोड़ है धरती पर, कितने लोग हैं सर? 750 करोड़। भारत वर्ष में ही लगभग 130 करोड़ से ऊपर लोग हैं, 130 करोड़ बहुत हो गए ना। अगर सबने एक एक रोटी भी बर्बाद की तो कितना रोटी भी बर्बाद हो गया, 135 करोड़ रोटियां बर्बाद की, उसका कितना आदमी खा सकता है? और दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारा इतना बर्बाद होता है और कई जगहों के लोग खाने को नहीं मिलते, तो मिल ही नहीं पाता है। एक तरफ इतना बर्बाद हो रहा है और एक तरफ अगर ये देखें तो इसमें धरती की समस्या है कि धरती उगा नहीं पा रही है कि हम ठीक से उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। तो अगर ये बात समझने आती है हम सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम करते, जितनी आवश्यकता है उतने का प्रयोग करते हैं, बाकी को बचा के रखते हैं दूसरों के लिए। तो इस धरती पे
आदमी भी परस्पर की उदारता से जी सके। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी ना कालिदास का, कालिदास की कहानी हिंदी में पढ़ी होगी, कोई बताएगा कालिदास की क्या विशेषता है, कोई बताएगा क्या? कवि देश कवि थे ना कालिदास। एक और बात कही जाती है कालिदास के बारे में, कोई बताएगा? एक और बात बहुत फेमस है कालिदास के बारे में, एक राजा थे उन्होंने कहा कि हमारे देश के सबसे बुरा आदमी को पकड़ के लाओ, तो बुरा आदमी ढूंढा जाने लगा, तो कोई पकड़ लाया कालिदास को, बोले ये बुरा आदमी है सबसे, कैसे तय हुआ सबसे बुरा है, क्योंकि वो जिस डाली पे बैठे थे पेड़ पे उसी डाली को काट रहे थे, पेड़ की जिस टहनी पे बैठे बैठ के उसी टहनी को काट रहे, क्या हुआ फिर टहनी भी गिरेगी वो भी गिरेगी है ना, और हाथ पैर टूटेगा, इसलिए क्या कहा तो जैसे पेड़ देखे तो जैसे पेड़ अब इसी डाली पे यहाँ बैठ गए और यहाँ से काट गए, क्या होने वाला तो उनको पकड़ लाए वही थे कौन कालिदास है ना, बाद में फिर वो उनको ध्यान आ गया होगा कुछ सही समझ आ गई, बहुत सारी कविताएं भी लिखी जो आप पढ़ते हैं, तो जो आज मूर्ख है समझ के काम हो जाए तो विद्वान हो जाए, जो आज मूर्ख दिखता है जो आज मूर्ख दिखता है किसी को दुनिया मूर्ख कहती है उसको भी अगर अपनी कल्पनाशीलता में ध्यान चला जाए सहज प्रकृति को देख ले सही समझ उसको स्पष्ट हो जाए तो विद्वान भी होता है, और उसकी लिखी कविताएं सैकड़ों वर्षों से लोगों को पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं तो वही व्यक्ति था जिसको क्या कहे मूर्ख, वही व्यक्ति ने अपने समझ पे काम कर लिया तो क्या हो गया विद्वान हो गया, ये बात स्पष्ट होती है। ऐसे देखे मेरा तम आदमी लोग भी क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे उजाड़ रहे हैं धरती से, उजाड़ रहे पहाड़ कहीं खड़े हैं तो उसमें जो है क्रेन वो लगा करके ना बुलडोजर पहाड़ को ही नदियां कहीं बह रही है तो वहां बांध लगा के इधर उधर रोक दे रहे हैं है ना, पानी भी दूषित कर रहे हैं, पशु पक्षी को भी एक तरह से काटते जा रहे हैं निपटाते जा रहे हैं, तो जैसे कालिदास बैठ के डाली काट रहे हैं ना आदमी भी बैठ कर अपनी डालियां काट रहे हैं, और डाली नहीं काट रहा वो तो पेड़ ही काट रहा ये तो प्रति डाली काट रहे ये क्या कर रहा है कैसे देखो इसको जरा, जैसे इस चारों अवस्थाओं में है ना एक अवस्था है जिसको आप क्या कह रहे हैं पदार्थ अवस्था, पदार्थ अवस्था, और दूसरी अवस्था है जिसको क्या कह रहे हैं प्राण अवस्था, प्राण अवस्था, और तीसरी अवस्था कौन सी है जीव अवस्था, जीव अवस्था, चौथी अवस्था। चार अवस्थाओं के बारे में लोगों ने पढ़ा तो हमने इस तरह से जो डायग्राम चित्र बनाया है इसका क्या मतलब है उसको समझा, जैसे आपने कभी फोटो देखी होगी ना पृथ्वी की बनी हुई देखा ना, उसमें सबसे अधिक क्या दिखता है पानी, पानी दिखते ना पूरा दो तिहाई तीन चौथाई तो पानी, पानी कौन सी अवस्था में आएगा पदार्थ, बाकी जमीन अंदर लोहा है ना बहुत सारा कोयला है पेट्रोल है बहुत सारी चीजें हैं, तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अवस्था है पदार्थ, पदार्थ, तो इसलिए पदार्थ अवस्था को बड़ा लिखा है। अब पदार्थ अवस्था को हटा के फिर देखेंगे तो इस पृथ्वी पर आदमी अधिक है कि पशु पक्षी अधिक है कि पेड़ पौधे अधिक है, इसलिए इसके बाद किसको दिखाया है फिर उसके बाद आदमी अधिक है कि पशु पक्षी अधिक है और सबसे कम क्या है आदमी, ये समझ में आता है क्यों ऐसा छोटा बड़ा बड़ा बना रखा है, ये सबसे अधिक मात्रा में ये उससे कम ये उससे कम और ये क्या पूछ रहे थे
अब देखो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि पेड़ पौधे रहे मिट्टी पानी हवा ना रहे? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ये जरूर हो सकता है कि मिट्टी पानी हवा रहे पेड़ पौधे ना रहे। ऐसी बहुत सारी जगह है आप देख सकते हैं जहां मिट्टी पानी है लेकिन पेड़ पौधे नहीं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं देख सकते जहां पेड़ पौधे हो मिट्टी पानी हवा नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पदार्थ अवस्था के प्राण अवस्था बच जाए। ये बात सही है नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ अवस्था का निर्भरता किसके ऊपर है, प्राण अवस्था का निर्भरता किसके ऊपर है? तो जब पदार्थ अवस्था नष्ट हुई तो पहले पदार्थ नष्ट होगा कि पहले प्राण नष्ट हो जाएगा? पेड़ पौधे नष्ट पहले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेड़ पौधे बचे रहे और मिट्टी पानी नष्ट हो जाए, ये नहीं होगा ना। ये बात समझ में आती है? ऐसे ही देखेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पशु पक्षी रहे पेड़ पौधे मिट्टी पानी हवा ना रहे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीव अवस्था की निर्भरता किस पर है? दोनों। ऐसा जरूर हो सकता है कि पेड़ पौधे मिट्टी पानी हवा रहे पशु पक्षी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो हो ही सकता है ना कि कहीं जंगल है उसमें पेड़ पौधे हैं मिट्टी पानी सब है लेकिन पशु पक्षी, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पशु पक्षी ही रहे पेड़ पौधे ना रहे और मिट्टी पानी। तो क्या बात समझ में आई कि जीव अवस्था की निर्भरता किस पर है? प्राण अवस्था पे भी और ज्ञान अवस्था का उदाहरण क्या है? पानी। मानव की निर्भरता किस पर है? क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे की तीन अवस्था ना रहे सिर्फ आदमी रहे? लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि बाकी तीन अवस्थाएं रहे आदमी, ऐसा हो सकता है। और ये निर्भरता ये ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान अवस्था की निर्भरता तीन रूप है। तो अगर इन चारों में से इस धरती पे कोई अवस्था सबसे पहले खत्म होगी तो कौन सी अवस्था होगी? पहले लगता तो ऐसे थोड़े होगा, धरती में 750 करोड़ लोग हैं, ऐसे कैसे सब खत्म होता है? लेकिन अभी जब लॉकडाउन लगा था और कोरोना फैला था पूरी धरती पर तो लॉकडाउन लगाना पड़ गया। नहीं लगाया होते तो आज हम बैठ के चर्चा नहीं कर रहे, तो खाली धरती ही होती आदमी से नहीं, कोई नहीं महीना और ना लगे पूरे आदमी एक तरफ से खाद होगा लगता है। अब तो सब असंभव भी लग रहा है, अब तो हो ही सकता है ना, दो वायरस फैल गए तो फिर तो इस तीनों चारों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सबसे पहले निपट सकती है? क्यों? क्योंकि अगर उसने तीन अवस्थाओं को नहीं संभाला, उनके साथ अपने संबंध का ठीक ठीक निर्वाह नहीं किया तो सबसे बड़ी क्षति किसकी होने वाली है? इसीलिए मैंने कहा आदमी क्या बन गया है? कालिदास। और क्या करने लगा है? पौधे काटने लगा है, पशु पक्षियों को मारने लगा है ना, मिट्टी पहाड़ पानी इन सबको तितर बितर करने लगा है। तो जिस पे बैठा है उसी को छोड़ना, कैसा हालत हो गया आदमी का? काली हो गया था। पांच पेन है की आवश्यकता है, 25 पेन जो रख लिए है, क्या कर रहे हैं? पदार्थ अवस्था को छोड़ रहे। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं, एक प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग क्लास में हैं जो पेन का प्रयोग करते हैं और रिफिल खत्म हो जाती है तो नई रिफिल खरीद के डालते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो पेन की रिफिल खत्म हो जाने के बाद नया पेन ले लेते हैं? वो भी काफी लोग हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे ना, तो ये ठीक बना रहे इसके लिए सिर्फ बाकी तीन अवस्था आदमी के साथ जिम्मेदारी पूर्वक ये तो काम करेगा या आदमी को भी इनके साथ जिम्मेदारी पूर्वक परस्पर पूर्वकता में जीना होगा? आदमी को भी इनके साथ
कार्य है, बाकी तीन अवस्थाओं के साथ परस्पर पूरक होकर जीना या उनका शोषण करना। मेरा जाति बोलने लगते हैं क्या? जांच के बताओ क्या सहस्त्री कार्य है? कालिदास अगर पूरक से विद्वान हो सकते हैं तो धरती का आदमी भी विद्वान हो सकता है। अभी जो आदमी के कारण इतना सब झंझट हो गया है, आदमी ठीक भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जैसे उदाहरण, एक आदमी अगर जिम्मेदारी पूर्वक पेड़ की लकड़ियों का प्रयोग कर रहा है तो उसको जितने भी पेड़ की लकड़ियों की आवश्यकता है पूरे सवाल अगर जीव चली जाता है तो ऐसा बताते हैं कि चार बड़े पेड़ की लकड़ी से वो आवश्यकता पूरी हो जाए। जैसे आपको सोने के लिए बेंच चाहिए, एक टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, कागज चाहिए, ये सब चार बड़े पेड़ जो होते हैं नीम के साइज के या शीशम के साइज, इनके लकड़ियों से वो पूरा हो जाता है। ये ऐसा कैलकुलेट किया जाए ठीक। एक आदमी 100 साल की जिंदगी में कितने पेड़ लगा सकता है? कितने पेड़ आप लोगों ने आज तक लगाए होंगे? 5 पेड़ कितने लोगों ने लगाया? पांचों पेड़ सिर्फ लगा रखे हैं कि खड़े भी हैं? खड़े भी हैं। तो आदमी को जितने लकड़ी की आवश्यकता है उससे अधिक पेड़ लगा सकता है। चार पेड़ की लकड़ी से आदमी का काम चल सकता है, जिम्मेदारी से प्रयोग करे तो 4 से तो अधिक ही लगा सकता है। ये समस्या बनी रहेगी, खत्म हो सकती है। समस्या तब है जब उसकी लकड़ी की आवश्यकता अधिक है और लगा वो ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं पेड़ भर का, पेड़ भर काटो, पेड़ नहीं काटे तो जो लकड़ी से काम होने वाला है, दरवाजा बनना है, मेज बनना है, कुर्सी बनना है, वो काहे से बनाएंगे? तो एक हाथ से मेज बना के दिखाओ। हाथ से बनाएंगे लेकिन फिर लकड़ी नहीं प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? कैसे बनेगा दरवाजा, कैसे बनेगा चौक, कैसे बनेगा? प्लास्टिक से या लोहे से? लोहे से भी बना सकते। लोहा कहाँ से आएगा? पक्का से भी बना सकते हैं, बहुत सारे मेज तो आजकल पत्थर वाले आते हैं, हाँ, और कहीं पलट के गिर गए तो दूसरी पत्थर की टांग लगवानी पड़ेगी। अब इसे लोहे का बना रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, चौखट बना रहे हैं, मेज बना रहे हैं, लोहे का, ये लोहा कहाँ से आता हो? वो भी जमीन से आता है। तो जमीन के भीतर इस लोहे का कुछ काम होगा कि नहीं होगा? पेड़ आपने धरती से काट के लगा दिया तो 20 साल में पेड़ बड़ा हो जाता है। लोहा जो धरती से पोत के निकाल लिया वो कितने साल में नया बनेगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। अभी धरती पे इतने भूकंप आ रहे हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो, कुछ तो काम उसका होगा ना, लोहे का और इन सब आए तो तत्वों का धरती के नीचे। तो हम ये तो कह रहे हैं कि पेड़ मत का, लेकिन पेड़ वाले लकड़ी से जो काम हो रहा है वो किससे करेंगे? लोहे से कर रहे हैं। ये लोहे का भी तो प्रकृति से निकाल रहे हैं ना, वहां उसका कुछ काम होगा ना। तो ठीक क्या है, लकड़ी काट ले नया पेड़ लग जाएगा। समस्या ये होगी कि हम लगा तो रहे नहीं है सिर्फ, और लोहा निकाल के काम कर रहे, वो भी तो समस्या करेगा ना कुछ दिनों बाद, करने लगेगा ना समस्या। तो धीरे धीरे देखेंगे, तो अगर ठीक से ध्यान चला जाए तो आदमी अपनी आवश्यकता को पहचान सकता है, उससे अधिक को है ना उगा सकता है, उससे अधिक चीजों को जुटा सकता है, समृद्धि पूर्वक रह सकता है और प्रकृति का भी ध्यान, उससे प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और आदमी भी सुरक्षित रहेगा। तो इसी को कहा प्रकृति में व्यवस्था। तब ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा कि टिक में बदल जाएगा, तब आदमी कालिदास जो बुरक लग रहा था वही कैसा हो जाएगा?
खाद्य व्यवस्था पूर्वक रहा है। ठीक है, तो अगर आप अभी से देखें तो प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए तीन काम हम कर सकते हैं। कौन कौन से तीन काम है मैं यहां लिखता हूं। एक काम कर सकते हैं सदुपयोग का, लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं लिखेंगे, चर्चा करेंगे। एक काम है सदुपयोग का, एक काम है संरक्षण और एक काम है संवर्धन का और अधिक बढ़ाना। तीन शब्द लिखे हैं मैंने, अभी लिखने का काम नहीं कर सकते, समय दे दूंगा या अगर खाते हैं तो लिखी लो फिर लिखो वाला तो पहले लिख चुके होंगे आप लोग।
एक पेड़ कटने से बातचीत हो गई।
ऐसे देखेंगे ना तो जैसे आपको ध्यान में होगा आपके घर में कोई लकड़ी की कुर्सी है, आप उस लकड़ी की कुर्सी को आप बैठते समय बराबर चारों पायों को ना जमीन पे या फर्श पे बराबर करके नहीं बैठे, है ना, बराबर करके नहीं बैठे, एक ऊंचा है और एक नीचा है, तो ऐसे में उस कुर्सी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बराबर करके बैठते तो हो सकता है 20 साल चले जाती कुर्सी, ये ऊंचा नीचा करके बैठ गए तो हो सकता है 2 ही साल में टूट जाए, है ना, तो 2 साल में टूट गए तो 20 साल में कितनी बार कुर्सी बनवानी पड़ी, 10 बार, है ना। तो आपके ठीक से कुर्सी को संभाल कर ना प्रयोग करने के कारण जंगल में 3-4 पेड़ कट जाएंगे 20 साल में, तो आपने कुर्सी का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग मात्र से इस पूरे प्रकृति में संकट खड़ा। ये बात समझ में आ रही? ऐसे आपने देखा कि आपके घर में जो कुर्सी है आपने उसको पेंट कर दिया, कलर कर दिया ना, पेंट से कर दिया, बारिश हो रही है तो उसको अंदर रख दिया, धूप हो रहा है तो उसको अंदर रख दिया, अगर बारिश में भीगने दे रहे पेंट भी नहीं कर रहे तो क्या वो कुर्सी लंबे समय तक चलेगी? जल्दी सड़ जाएगी। वही कुर्सी जो 10 साल 20 साल 25 साल चल जाती है, अब 2-4 साल में कुर्सी, ये कुर्सी का सदुपयोग है दुरुपयोग? आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रकृति। आप भले पेड़ नहीं काट रहे लेकिन आपके दुरुपयोगिता के कारण जंगल में पेड़ कट रहे, ये बात समझ में आ रही? तो पेड़ काटने वाला जिम्मेदार या जो दुरुपयोग कर रहा है वो जिम्मेदार? ये बात समझ में आना, ये स्पष्ट हो रहा है? आपके घर में जितनी भी वस्तु है उनका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो बहुत लंबे समय तक, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे पजामा पहनता है, उसने पजामा पहना 2-4 साल 6 साल पहना, पहनने के बाद वो हो जाता है, क्या कहते हैं, फटने लग जाता है। तो एक समय था जब नानी होती थी दादी होती थी तो उसी पजामे को काट करके उसका झोला बना देती थी, थैली, सब्जी ले आया बाजार से, सामान ले आया, उसी को काट के थोड़ा बहुत उस पर सिलाई करके बना दिया, है ना, थोड़े हिस्से को काट के उसने कटिया का वो बना दिया, बना दिया, कुछ दिन चला, अब थैला वो नहीं काम लायक रहा क्योंकि कपड़ा और कमजोर हो गया और कटने लगा, तो फिर जो है उसको किचन का पोछा बना दिया, कुछ दिन किचन का पोछा चला, किचन में पोछने लायक नहीं है, तब उसको जो है रूम फर्श पोछने के लिए प्रयोग करने लग जाते हैं, तब क्या हुआ, पहले पजामे की तरह प्रयोग हुआ, फिर झोले की तरह प्रयोग हुआ, तकिए कवर की तरह प्रयोग हुआ, कपड़ा वही, फिर बाद में वो किचन में पोछा के लिए प्रयोग हुआ, किचन में तो थोड़ा साफ कपड़ा चाहिए होता है, ठीक ठाक नहीं काम चला तब उससे हम फर्श पोछा, अब ये क्या हुआ, कपड़े का सदुपयोग होता है, नहीं तो आप खाली पजामा का जो है डिजाइन बदल गया तो पजामा कहाँ फेंक देते हैं पता नहीं, अभी सदुपयोगिता हुआ दुरुपयोगिता, आप तो दुरुपयोग कर रहे लेकिन उससे प्रकृति में बहुत सारा, ये बात समझ में आती है? तो आप जो कर सकते हैं प्रकृति में सदुपयोग कर सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं, और तो सदुपयोग स्पष्ट अगर हो जाए तो संरक्षण का क्या मतलब है कि आपके मोहल्ले में पेड़ लगे हैं तो पेड़ तो लगा दिया हमने, समय पर उसको पानी नहीं दिया, या किसी ने भी पेड़ लगा दिया आपके पास है जहाँ आप रह रहे वहाँ आसपास सड़क के किनारे या पहाड़ में पेड़ लगा दिए, तो लगाने वाला तो लगा के चला गया, वो ना तो उसकी छाया में बैठने वाला है आदमी क्योंकि वो तो चला गया आपके पार्क में लगा गए, सरकारी विभाग का आदमी या कोई भी लगा के चला गया, वो तो उसका मतलब है ना, ना तो उसकी छाया में बैठने वाला ना ही उसको फल देने वाले है ना, उसका ऑक्सीजन वगैरह का थोड़ा बहुत जो उसको लाभ होगा, ज़्यादा लाभ उसका किसको मिलने वाला है, जो वहाँ रहे जो लोग वहाँ आसपास रहे लाभ बहुत दूसरों को भी मिलेगा लेकिन अधिक लाभ है ना, वो तो लगा के चला गया लेकिन अगर उसमें पानी डालने का काम कोई नहीं कर रहा है तो वो पेड़ बचेगा या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? अगर साल भर हमने एक गर्मी में उसको ठीक से पानी दे दिया
बारिश हो गई, अगली गर्मी तक वो पेड़ को फिर पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही उसकी जगह अपने लिए पानी की व्यवस्था करेगी। लेकिन साल भर तो किसी को करना होगा, और जब तक 2 साल का पेड़ नहीं होता लगभग इतनी हानि का, तब तक कोई भी पशु आकर के उसको खा लेता है। तो सारे पत्ते खा गया तो पेड़ हुआ था। तो कम से कम 2 साल जब तक पेड़ की हाइट इतनी ना हो जाए कि पशु के मुंह तक ना पहुंच पाए, तब तक क्या करना पड़ेगा उस पेड़ का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव पशुओं से। कैसे बचाव करेंगे? जाली लगा दिया आपने, कुछ लकड़ी गाड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया ताकि पशु से वो बचा। कितने साल बचाना होता है? 2 साल। तीसरे साल में उसकी ऊंचाई इतनी हो जाती है कि अब पशु उसको बहुत वो नहीं कर पाता, पत्ते वत्ते नीचे रहते हैं, पशु खा लेता है उसको, क्योंकि पेड़ बचा है। तो खाली पेड़ लगा देने भर से काम हो जाएगा या पेड़ का संरक्षण भी करना पड़ेगा? तो सदुपयोग एक बात है, संरक्षण दूसरी। फिर आकर के तीसरे नंबर पर क्या आता है? संवर्धन। संवर्धन का क्या मतलब है? और पेड़ प्रकृति के साथ सुरक्षा पूर्वक संबंध पूर्वक जीने के लिए ये तीनों करने पड़ेंगे या तीनों में किसी को छोड़ सकते हैं? तीनों करने पड़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कौन सा वाला? संरक्षण या संवर्धन या सदुपयोग? क्यों सदुपयोग? जो काजल कह देगा अगर सही सदुपयोग करेंगे तो ज्यादा पेड़ काटने नहीं पड़े, तो संवर्धन के ऊपर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। सही सदुपयोग नहीं कर रहे, कितना भी काटते जाए, कितना भी लगाते जाए तो कटते रहेंगे पेड़। अगर सदुपयोग ही ठीक से नहीं कर रहे तो कोई कितना भी पेड़ लगा दे वो तो सब कटते ही चले जाएंगे ना। तो अगर ये नहीं कर रहे, ये चाहे जितना कर ले होगा, और अगर ये नहीं कर रहे तो आप संरक्षण भी कितने दिन कर पाए, आप ही एक दिन काटेंगे कि हमको जरूरत। तो तीनों में महत्वपूर्ण कौन सा है? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो बाकी दो का कोई सार्थकता सिद्ध नहीं। ये बात समझ में आ रही? तो पेड़ तो हम साल भर में एक बार दो बार लगाते हैं, संरक्षण के लिए कभी कभी काम करते हैं, लेकिन सदुपयोग, सदुपयोग तो हर दिन हर पल करना है। खाना खा रहे हैं तो, सामान खरीद रहे हैं तो, प्रयोग कर रहे हैं तो, आदमी अगर सदुपयोगिता को ध्यान में रखकर जीने लग जाए तो प्रकृति के साथ संबंध को सुनिश्चित किया जा सकता है, और प्रकृति में व्यवस्था को निरंतर क्या है बनाए रखने में अपनी भागीदारी की जा सकती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी स्थिति पर सुख पूर्वक जी सकते बात ध्यान में आती। एक वैज्ञानिक आर्टिकल था, उनका नाम बताने आप लोगों ने सुना के लिए, उनका नाम था स्टीफन हॉकिंस। बहुत बीमार रहते थे, चल भी नहीं पाते थे, तो उनको ना व्हील चेयर पे चलाया जाता था। अभी कुछ दिनों पहले भी है, फिजिक्स के विज्ञान के पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं आप, कभी नहीं पढ़े साइंस में एक ही साथ। तो उसके बाद बड़े रह गए, वो आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि धरती की कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, तो उन्होंने कई सारी समस्याएं बता दी जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि इसका उपाय क्या है, सही समस्याएं धरती पे है, इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने उपाय बताया कि अगले 50 साल में कोई दूसरी धरती खोज ली जाए जहां आदमी जाके अपने को बचा सके, क्योंकि अब इस धरती पे कुछ हो नहीं सके। वहां जाके क्या करेगी? अगर सदुपयोग नहीं समझ में आया तो वहां जाके क्या करेगी? यही जो यहां कर रहे हैं, तो यही हाल वहां भी हो जाएगी, फिर कोई तीसरी धरती खोज देंगे। तो हाल क्या है? धरती खोजते रहे कि सदुपयोग सुनिश्चित करें? सदुपयोग कोई आदमी उतर के करेगा कि हर आदमी को खुद करना पड़ेगा? हर आदमी को खुद करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब हम अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान लें तब। ये बात ठीक है, इतनी बात हमको प्रकृति में व्यवस्था नहीं करना। अगर इस पर कोई प्रश्न है कर लेते हैं, मैं 10 मिनट का समय और लूंगा अस्तित्व में व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात। आगे बढ़ जाए लो।
अब कोरे पे तो बात हो गई, अब क्या बचा? अस्तित्व में रह बचा। अस्तित्व में व्यवस्था, अस्तित्व में दो भाग कर दिए मैंने, इकाई और शून्य। इकाई का उदाहरण लिख दिया है पृथ्वी चंद्रमा सूरज ये सब, और नीचे लिख दिया है आकार शून्य और क्रियाशील। शून्य के नीचे लिखा है असीमित और क्रियाशील। आप देख पा रहे बेटा, आपके बोले आपको पढ़ने का कितने आगे ले सकती हूँ, आप लोग क्या हो जाएगा।
आगे बढ़ा सर। कितने लोगों का लिखने का भी धैर्य है? तो अपना ब्रेक बता लेंगे, काफी बंद कर लेंगे, फिर 5 मिनट की चर्चा करेंगे छोटी सी, बंद कर लीजिए तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो बस लास्ट टॉपिक है, थोड़ी सी बात कर लेंगे, बाकी जब आपको कभी 11वीं क्लास में आएंगे तब डिटेल बात इन सब विषयों पर होगी, या आपकी क्लास में चर्चा भी नहीं होनी है 9th-10th में तो 11वीं 12वीं में होगी, तो जो 11वीं 12वीं वाले लोग पढ़ने वाले हैं वो आप लोग पढ़ा रहे हैं, थोड़ी कठिनाई तो होगी। तो जैसे प्रकृति पढ़ना था 11वीं वालों को, अस्तित्व पढ़ना है 12वीं वालों, लेकिन हम लोग तो 8वीं वालों से पढ़ा। तो प्रकृति में कुछ समझ में आया तुम्हें? आया। तो 11वीं वाला 8वीं वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, अस्तित्व वाला देखते 12वीं वाले आप लोग समझ सकते हैं, फिर उसको ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। शुरू करें? यस सर। तो जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, हम लोग कभी रात में देखते हैं तो चंद्रमा दिखता है, दिन में सूरज दिखता है, रात में बहुत सारे तारे दिखते हैं, तो सूरज चांद तारे क्या कर लो उस एक्टिविटी को बोला, फिर हम लोग बात क्या चल रहा है आप लोग क्या कुछ विशेष घटना हो गई थी ठीक। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि सूरज चांद तारे पृथ्वी इन सब की बात कर रहे हैं, आदमी पेड़ पौधे पशु पक्षी धरती पानी हवा सूरज चांद तारे ये सब इन सबके सबों को क्या कहा था? प्रकृति। सूरज चांद तारे पृथ्वी आदमी पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सबके समूह को क्या कहा था? प्रकृति। तो अस्तित्व में चर्चा करने का उसमें बचा है, सूरज चांद तारे ग्रह गोल सबको समेट दिया किसने? प्रकृति। तो अस्तित्व में चर्चा करने के लिए क्या बचा? अब वो क्या बचा उसको देखिए। जैसे आप देखेंगे जब रात में कभी आप देखते हैं हम आपका है पृथ्वी पर देखते हैं चंद्रमा, हम आप पृथ्वी पर रहते हुए चंद्रमा को देखते हैं या दिन में कभी सूरज को देखते हैं, तो हमारे पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच में कुछ दूरी है? नहीं। तो यहाँ पृथ्वी है और बहुत दूर पर चंद्रमा, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी दिख रही है वो भी कोई वास्तविकता है कि नहीं है? उसी को कह रहे हैं शून्य और शून्य कह लें यार, पृथ्वी चंद्रमा सूरज ये सब का क्या कहलाएंगे? और जो ये पृथ्वी चंद्रमा के बीच में जो दूरी दिख रही है उसी को क्या कह रहे हैं? अच्छा थोड़ा ठीक से देखिएगा कि पृथ्वी यहाँ है चंद्रमा है गोल सा दिखता है, तो सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी है कि चंद्रमा के चारों तरफ शून्य है? चारों तरफ शून्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में शून्य, बल्कि चंद्रमा के चारों तरफ शून्य है, या यूं कहेंगे कि शून्य के बीच में चंद्रमा है। इसे समझना
क्या कहना हो पृथ्वी ग्रह है हम आप पृथ्वी से चंद्रमा देखते हैं तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ दूरी देखते हैं ये दूरी क्या है और ठीक से चंद्रमा को देखिए तो सिर्फ दूरी है सिर्फ दूरी शून्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ही है या चंद्रमा के चारों तरफ शून्य है और ठीक से देखेंगे ना तो चारों तरफ शून्य है बीच में कहीं एक जगह चंद्रमा है कहीं पर सूरज है कहीं पर तारे हैं कहीं पर पृथ्वी है तो सूर्य सब जगह फैला हुआ है व्यापक हर जगह फैला हुआ है कहीं पृथ्वी कहीं चंद्रमा कहीं सूरज कहीं दो तरह की बात कहता है एक व्यापक और दूसरा सूर्य चंद्रमा तारे अब थोड़ा ठीक से देखते हैं जैसे चंद्रमा है उसका आकार सीमित है मतलब आकार में उसकी सीमाएं हैं तय या कोई सीमा तय नहीं चंद्रमा को देखते हैं तो बताते हैं कितनी दूरी चंद्रमा है इसके आगे नहीं है और इसके सीमा तय है तो उसको कहेंगे सीमित आकार कैसा है सीमित पृथ्वी को भी देखेंगे ना पृथ्वी भी गोल बनती है तो पृथ्वी बहुत बड़ी लेकिन फिर भी आकार कैसा है सीमित गोल है और सीमित एक जगह पे कहते हैं कभी आपके पास पृथ्वी नहीं एक सीमा है ऐसे सूरज को भी देखेंगे बहुत बड़ा होगा सूरज लेकिन फिर भी कैसा है एक सीमा है यहाँ तक सूरज है यहाँ से आगे सूरज एक सीमा है लेकिन शून्य को जब आप कहने जाएंगे तो शून्य की कोई भी सीमा दिखाई नहीं दे इसलिए शून्य कैसा है असीम इकाइयां कैसी है सीमित इकाइयां कैसी है सीमित आकार में सीमित ये असीम और ठीक से देखेंगे तो पृथ्वी अपनी जगह पर बनी रहती है कि घूमती रहती है सिर्फ अपनी ही जगह पर घूमती है कि सूरज के चारों तरफ घूमती है सूरज के चारों तरफ घूमती है तो पृथ्वी में क्रिया हुई पृथ्वी कैसी है क्रियाशील चंद्रमा भी घूमता है वो क्रियाशील है हम भी कहीं हमें कोई क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है पेड़ में कोई क्रिया हो रही है कि पत्ते हिल रहे हैं बढ़ रहे हैं फूल आ रहे हैं क्रिया हो रही है ना हो रहे हैं सारी इकाइयां कैसी है क्रियाशील है लेकिन जब स्पेस को देखेंगे ना जो शून्य को देखेंगे तो शून्य में अपनी कोई क्रिया नहीं है इसलिए उसको क्या कहा क्रिया आप वापस थोड़ा विजुलाइज करेंगे अपनी कल्पना से तो चारों तरफ क्या फैला हुआ शून्य स्पेस व्यापक उसमें जगह जगह कुछ ग्रह गोल है पृथ्वी है सूरज है चंद्रमा है ना उसमें से किसी एक ग्रह पे हम आ रहे हैं और ये सब ग्रह एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं सूरज पृथ्वी ऐसे चंद्रमा को देखेंगे तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ आपस में जुड़े हुए हैं तो शून्य है शून्य में सारे ग्रह उस ग्रह है तारे हैं उसमें से एक पृथ्वी है जिसपे हम आ पेड़ पौधे हैं पशु पक्षी फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा फिर दोबारा करूंगा अभी तक हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप वास्तविकता थोड़ा देखेंगे ना तो स्पेस चारों तरफ शून्य चारों तरफ फैला हुआ है उसकी कोई सीमा और जगह जगह उसमें ग्रह है चंद्रमा है तारे हैं सूरज है पृथ्वी आकाश गंगा ये सारे सब सुनते रहते हैं उसमें से कोई एक छोटा सा बिंदु होगा जिसको हम क्या कहेंगे ये हमारी उस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं मिट्टी पानी है पशु पक्षी है आदि है हम बात अब तक इतने फैले हुए पूरे ब्रह्मांड का कल्पना करिए तो पृथ्वी तो एक छोटे से बिंदु की तरह उसमें होगी ना पूरे ब्रह्मांड की अगर सूरज चांद तारे इतना फैला हुआ है उस पूरे के साथ पृथ्वी की कल्पना करिए बिंदु की तरह और उस पर हम 750 करोड़ हो उस पे हम 40 लोग कास्ट में रहे थे उस पे हमारा एक दूसरे के साथ टकराता हुआ अखबार उस पे दूसरे सेनाओं का दूसरे सेनाओं से टकराता हुआ युद्ध हमको लगता है कि ये धरती हम चला रहे हैं हमारे सम्मान को छेड़ के सो तो धरती हम चला रहे हैं या पूरा अस्तित्व सजा हुआ है और इस सजे हुए अस्तित्व में सूरज चांद तारे पृथ्वी एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं
निश्चित समय पे दिन हो रहा है, निश्चित समय पे रात हो रही है। जिस इकाई को रात में दिख रहा है वो रात में दिखती है, जिस इकाई को दिन में दिख रहा है वो दिन में। पूरी अस्तित्व एक व्यवस्था है। चंद्रमा जाके सूरज से नहीं टकराता, सूरज जाके पृथ्वी से नहीं टकराता। इतनी तेज गति से चीजें घूम रही है, चल रही है, फिर भी व्यवस्था है। पूरा अस्तित्व ही एक व्यवस्था है। उसमें से हमारी पृथ्वी, उसमें भी देखिए तो समुद्र में पानी, उसका भाप बनना, बादल बनना, जाके पहाड़ पे बरसना, फिर साल भर पानी बह के आके समुद्र में, फिर भाप बनना, फिर बादल बनना, फिर जाके बरसना, फिर साल भर पानी का आकर के सागर में। ये घटाक चक्र चल रहा है। हमको आपको मोटा बड़ा के पानी पंप करके पहाड़ पे पहुंचाना होता तो जिंदगी निकल जाती। ये प्रकृति की व्यवस्था बनी बनाई है कि हम आप बना रहे हैं। उसमें धरती है, मिट्टी है, नदी के किनारे, तालाबों के किनारे, वहाँ पेड़ है, उसमें बीज उगते हैं, वो बीज स्वतः ही कहीं कहीं गिर जाते हैं, मिट्टी में अपने लिए आवश्यक तत्वों को पहचानते हैं, समय पर बारिश होती है, पेड़ अंकुरण टूटता है, फिर फैल जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, फल आने लगते हैं, हवा आने लगता है। ये सब हम कर रहे हैं, खुद ही हो रहा है। पशु पक्षी आने लगते हैं, दस पेड़ लग जाए पशु पक्षी खुद ही आने लगते हैं, पशुपति ये सब हो रहा है। और उसमें हम आप, और हम आपके सामने सिर्फ दो चॉइस है, हमारे आपके सामने दो चॉइस है। क्या ये पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है, पूरी पृथ्वी भी एक व्यवस्था है। हम इस पूरी व्यवस्था को समझ कर व्यवस्था में जी लें या अपनी मनमानी करें, दो ही विकल्प जो है। या तो इस पूरे अस्तित्व की, पृथ्वी की, परिवार की, समाज की, अपनी सारी व्यवस्था को समझ कर व्यवस्था में जी ले, या फिर अपनी मनमानी। चॉइस तो है, लेकिन एक तरह से ये चॉइस नहीं भी है। जब भी हम इस व्यवस्था को समझ कर व्यवस्था में जीते हैं, और जब भी इस व्यवस्था को समझे बगैर अपनी मनमानी करते हैं, जो इस व्यवस्था के खिलाफ होता है, तो हम जीते हैं। किसी व्यवस्था की पहचान को हम लोग क्या कह रहे हैं, सहज जीवन। जब भी इस व्यवस्था को पहचान कर वैसा जीते हैं, उसी को क्या कह रहे हैं, सहज जीवन। उसी में हम सुखी होते हैं। और जब भी ये व्यवस्था पहचानने से हमको चूक हो जाती है और हम कुछ मनमानी करने लगते हैं जो व्यवस्था के अनुरूप नहीं होती, तो वही हमको कैसा लगता है, दुखी। तो इस पूरी पूरे अस्तित्व की इतनी बड़ी व्यवस्था, पूरे पृथ्वी की इतनी बड़ी व्यवस्था, उसमें हम आप हैं दो चॉइस के साथ। या तो इस व्यवस्था को समझ कर व्यवस्था में जी ले, या फिर सहज शिकार क्या है, व्यवस्था को समझ कर व्यवस्था में जी ले। उस छह दिन की कार्यशाला में इतनी ही बात ध्यान दिया गया, ये पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है, पूरी पृथ्वी एक व्यवस्था है, हम आप भी व्यवस्था ही चाहते हैं, हमको आपको व्यवस्था ही सहज शिकार है। अपने शरीर में व्यवस्था, अपने कल्पना शिक्षा में व्यवस्था, अपने परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, पूरी प्रकृति में व्यवस्था, पूरे अस्तित्व में व्यवस्था ही सहज स्वीकार है। और पहले से देखेंगे तो अस्तित्व व्यवस्था में है, प्रकृति व्यवस्था में है, हमारा शरीर व्यवस्था में है, हमारे सेल्फ को भी व्यवस्था ही सहज स्वीकार है, तो ज़्यादा आसान है इस व्यवस्था को समझ लिया जाए। और इतना ही बात आप लोग को ध्यान में दिलाने के लिए हम लोग छः दिन से इस बात का, एक बार ये बात ध्यान में आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या काम हो जाता है, व्यवस्था को समझना और व्यवस्था है जीना। अगर इस काम को कर पाते हैं तो पूरी प्रकृति के साथ सुर में सुर मिला के जी पाते हैं। सुर में सुर मिलाना समझते हैं ना? और जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो प्रकृति और अस्तित्व की इस व्यवस्था के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं, फिर बाधा है। तो चॉइस हमें से आ रही है कि हम सुर में सुर मिला के जीना चाहते हैं या सुर में बाधा। और चाहते तो है सुर में सुर मिला के जीना, लेकिन बिना समझे जीने जाते हैं तो जी नहीं पाते और हालत ऐसी है। तो प्रकृति के साथ भी परेशान होते हैं, लोगों के साथ भी परेशान। एक बार ठीक से व्यवस्था समझ में आ जाए तो शरीर की व्यवस्था को बढ़ा देने में सफल होते हैं, अपने सेल्फ में कल्पना संख्या को सहज प्रकृति के आधार पर व्यवस्थित बना के सुखी होते हैं, और भावों के साथ जीते हुए विश्वास सम्मान के साथ दोस्तों के साथ भी जी पाते हैं,
विश्वास सम्मान स्नेह के साथ और परिवार के साथ भी जी पाते हैं, उससे परिवार की व्यवस्था भी बनी रहती है और उसका सुख भी बना रहता है और एक व्यवस्थित परिवार समाज के व्यवस्था में सहयोगी हो पाता है। और ऐसे व्यवस्थित समाज इस पूरी पृथ्वी की व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार हो पाते हैं और अंतत्व भगवान हम इस पूरे अस्तित्व के साथ सुर में सुर मिला के जी पाते हैं, जिसको कहा मानव होना सफल हो पाता है, जिसको कहा मानव होना सफल। इतने के दृष्टि से हम लोग आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। हम लोग इस बात को हमेशा कहते हैं कि ये कार्यशाला सिर्फ शुरू होती है, खत्म नहीं होती। वास्तव में कार्यशाला आज के बाद शुरू होती है। कैसे? आपने जो सुना है, जो चर्चा है, जो समझा है, अब उसको जीने का अपने सेल्फ में कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करना, परिवार शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में निर्णय लेना, परिवार में भाव सम्मान विश्वास स्नेह के भाव के साथ लोगों के साथ व्यक्त होना, विद्यालय की व्यवस्था में भागीदारी करना, इस व्यवस्था को बढ़ाना है ना, और अंततः विभाग समाज में एक व्यवस्थित व्यक्तित्व के तौर पर उभरा और जहाँ जाए वहाँ व्यवस्था को सजा पाना। अब आज से वो काम पहले भी करते ही रहे हैं, शिक्षक बहुत प्रयास करते रहे हैं, आप लोग भी करते रहे, आगे और अच्छे से उसको कर पा सकते तो ये कार्यशाला सफल होगी। अच्छी लग गई, कितना ताली बजा लिया, कितना ये कोई सफलता का पता नहीं, और जो आज से शुरू करेंगे आप जाने के बाद आगे जीने में जो ना पाएंगे वो सफलता ऐसा समझा जा सकता है सारी व्यवस्था को, उसको दिया जा सकता है। yes, ये शिक्षा में समझना समझना और समझाना, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। yes, क्या बिना व्यवस्था को जिए आदमी व्यवस्था में जी सकता है? no, अगर व्यवस्था को शिक्षा में नहीं समझाया गया तो धरती पर व्यवस्था फैलेगी कि अव्यवस्था और उसकी पीड़ा कुछ ही लोग भोगेंगे कि पूरी धरती के लोग। इसलिए यह आवश्यक काम है आप लोग इसमें भागीदार हुए, चाहे अपना सुबह से लेकर काम करता समय लगाया, इतना कठोर आप लोगों ने तप किया है, थक जाते थे ये भी काम कर रहे थे, उनके लिए आप सब लोगों का आभार, आने वाले मित्रों को उत्साहित कर सकें, आप लोग भी अपनी गति बना सकें और व्यवस्था के स्रोत के रूप में एक सफल व्यक्तित्व बनकर निखर सकें, इस शुभकामना के साथ नमस्कार। तो हम लोग अब लंच के लिए ब्रेक करेंगे, आप लोग का जो का चार्ट का काम अधूरा रह गया है वो पूरा करें, 2 बजे से वापस शुरू करेंगे।